बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग मूवी को लेकर काफी सुर्खियों बतर रहे हैं। वहीं अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट में कई सारे सीक्वल पड़े हैं, जिसको लेकर कई सारे फैंस एक्साइटेड हैं और फैंस चाहते हैं कि अक्षय कुमार अपनी एक्शन मूवी के सीक्वल बनाए। वहीं सुनील दर्शन के डायरेक्टर में बनी फिल्म जानवर साल 1999 में रिलीज हुई थी। इसमें अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, आशुतोष राणा, जॉनी लीवर और शक्ति कपूर अहम भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म अक्षय कुमार के करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इससे पहले वो ज्यादातर एक्शन और कॉमेडी फिल्मों में काम करते थे। पहले उन्होंने एक गंभीर और ग्रेट सेल वाले किरदार में पेश किया गया था, जिसमें लोगों ने खूब पसंद किया। जानवर 6 करोड़ रुपए की बजट में बनी इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था। इस फिल्म के बाद अक्षय कुमार ने शंकर, जुल्मी, बारूद, अंगारे और अफलातून जैसी कई फिल्मों में काम किया, जिनमें वो जानवर जैसे किरदार में नजर आते थे और ऐसी ही फिल्म देखकर फैंस काफी खुश होते थे। इसलिए ये जानवर 2 आ रही है। और आपको बता दूं, अब तक के सीक्वल के पिछले दिनों बात चल रही थी, तब से अब की के फैंस जानवर के सीक्वल की मांग कर रहे हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर कई फैंस ने कहा जानवर 2 मूवी बननी चाहिए। वैसे जानवर मूवी का सीक्वल क्यों बनना चाहिए? इसकी वजह अक्षय कुमार आजकल जिस तरह की फिल्में कर रहे हैं, उससे जानवर में उनका किरदार बहुत ही अलग और अलहाद में लंबे घने बाल और लंबी मूछे चेहरे पर गुस्सा, इस तरह के एंग्री यंग इस समय दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का सीक्वल नई पीढ़ी के दर्शकों को भी पसंद आएगा। बात करें धड़कन 2 की, तो इस फिल्म के डायरेक्टर धड़कन का सीक्वल बनाने की बात को कन्फर्म किया था। हालांकि इसके कास्ट कौन सी होने वाली है, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वैसे आपको लगता है कि जानवर 2 आनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। और बाकी ऐसे रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखो।